एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वकीलों की निगाह अब राजस्थान विधानसभा पर है। भले ही एडवोकेट संगठनों की राज्य स्तर पर सरकार से वार्ता हुई, लेकिन जब तक विधानसभा में प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हो जाता तब तक वकील कार्य बहिष्कार करेंगे। वकीलों के कार्य बहिष्कार करने से न्यायालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के करीब 1350 अदालतों में कामकाज ठप चल रहा है। भले ही वकीलों की सरकार के साथ सहमति वार्ता हुई हो, लेकिन इसके बाद भी वकीलों ने कार्य बहिष्कार का निर्णय जारी रखा है। वकीलों के कार्य बहिष्कार के मामले में पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया। पदाधिकारियों को नोटिस जारी किए गए। दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष विवेक शर्मा ने कहा कि वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन वकीलों पर हमले होते हैं। पिछले दिनों जोधपुर में एडवोकेट जुगराज सिंह की बदमाशों द्वारा सरीरा हत्या की गई। ऐसे में वकीलों का ईमानदारी से काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वकीलों को और सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में सरकार के मंत्रियों की वकीलों से बातचीत हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है प्रोटेक्शन बिल को विधानसभा में लाया जाएगा और पास कराया जाएगा, लेकिन जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता तब तक वकील कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे।